हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स हंट पे। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 की एग्जांपल्स करवा दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाके उन वीडियोस को देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसके रूट्स निकालने हैं। तो ये कैसे होगा ये मैंने आपको पहले एग्जांपल से भी बताया है। आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद से करके देखिए, अगर आपसे सॉल्व नहीं होते हैं तो आप उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशियंट हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 आ जाए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशियंट है उसका हाफ कर देंगे, 7/2 है इसका हाफ हो जाएगा 7/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, और जो इसका हाफ करके जो वैल्यू आई थी उसका स्क्वायर एक बार इक्वेशन में प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये होता है कि हमें इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। इसको या तो a प्लस बी की स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस करो या a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस करो। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो उसके लिए आप x का कोफिशियंट देखो। x का कोफिशियंट माइनस है तो ये क्वेश्चन जो है a माइनस बी की फॉर्म में रिड्यूस होगा। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 7/7 = 49, 4/4 = 16 इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कीजिए, तो यहां से 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 25/16 इक्वल टू 0। तो अब जो ये माइनस का माइनस 25/16 है ये इक्वल टू के उधर जाके प्लस 25/16 हो जाएगा, और अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, प्लस माइनस 5/4। तो ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो x माइनस 7/4 को एक बार प्लस 5/4 के इक्वल रख देंगे और एक बार माइनस 5/4 के इक्वल रख देंगे। तो x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू 12/4 = 3। एक तो 3 वैल्यू आ गई इसकी, और एक रूट आ गया माइनस 5/4 प्लस 7/4 = 1/2। तो इसके 2 रूट्स आ गए, एक 1 और एक 1/2, एक 3 और एक 1/2। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है 2x² प्लस एक्स माइनस 4 = 0। अगेन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशियंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसके कोफिशियंट को 1 बना देंगे हम। तो यहाँ आ गया x² प्लस x/2 माइनस 2 = 0। अब x का कोफिशियंट हाफ है और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1/4। तो जो 1/4 का स्क्वायर है वो इक्वेशन में एक बार तो ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब यहाँ x के जो है पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये आपकी स्क्वायर की टर्म बन जाएगी। इसके बाद क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 16 आएगा, मल्टीप्लाई 16, तो माइनस 16 × 2 = 32, माइनस 1 माइनस 33/16। माइनस 33/16 इक्वल टू 0। फिर एक्स प्लस 1/4² इक्वल टू 33/16, ये इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस √33/4। अब एक्स प्लस 1/4 को एक बार तो हम प्लस √33/4 के इक्वल रखेंगे और एक बार माइनस √33/4 के इक्वल रखेंगे। अब x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से √33 प्लस 1/4, और यहाँ से क्या आ गई, माइनस √33 माइनस 1/4।
सॉरी माइनस वन बाई फोर और माइनस वन बाई फोर, यहाँ प्लस रूट 33 है, यहाँ पर माइनस रूट 33 है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3=0। तो ये आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही करना है, जिसमें आपको इसका स्क्वायर बनाना होता है। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आपको इसको हाफ करके फिर प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हो गया आपका 2x का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 × 2x, ये a हो गया, और b क्या हो गया आपका √3, और 3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर = 0। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b होल स्क्वायर का = 0। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो इसकी दोनों वैल्यू सेम आएंगी, −√3/2 एंड −√3/2। देखा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लग रहा था क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट की टर्म थी, लेकिन ये सबसे इजी था, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो इसमें भी आगे x स्क्वायर का कोफिशियंट 2 है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² प्लस x/2 प्लस 2 = 0। अब x/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का हाफ 1/4 हो जाएगा, तो हम 1/4 का स्क्वायर एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। अब देखिए, ये जो x है ये प्लस की टर्म है, तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 − 1/16 = 0। अभी 16 इसका एलसीएम लेंगे तो यह 16 × 2 = 32, −1 = 31/16। अब इसके बाद यहाँ आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = −31/16। अब ये देखिए, ये माइनस के टर्म आ गई, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।